बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी फ्लटर की सीरीज चल रही है। तो आज हमने देखना है कि यहाँ से हम यूज़र को साइन अप कैसे करेंगे और डाटा जो है वो स्ट्रैपी की एपीआई यूज़ करते हुए मोंगो डीबी में इधर कैसे स्टोर होगा। तो उसके लिए जनाब सबसे पहले अगर आप स्ट्रैपी की डॉक्यूमेंटेशन में आएँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको API का थोड़ा रिव्यू करवाना चाह रहा हूँ कि API जो है इसके अंदर कैसे काम करती है, ताकि हम उसी हिसाब से आगे काम करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे गाइड में आ जाए, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट में आए ज़रा, तो आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन में एग्जांपल मिलेगी। ये देखें, ये मूव करने की एग्जाम्पल है जी, ठीक है। लोकल होस्ट 1337 ऑथ और लोकल, इससे क्या है कि यूज़र जब आपने रजिस्टर्ड करना हो तो आप स्लैश रजिस्टर लगाएंगे। अगर आपने लॉगिन करना है सिंपल और उसकी ऑथेंटिकेशन लेनी है तो वो आप फिर आप सिंपल क्या करेंगे, लोकल लिखेंगे और स्लैश रजिस्टर नहीं करेंगे। जब ये लॉगिन होगा या रजिस्टर्ड होगा तो इन रिस्पॉन्स हमें जेसन वेब टोकन मिलेगा, यूज़र का आईडी भी मिलेगा, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए फ्लटर में हमें उसकी जो है एक पैकेज है, उसकी डिपेंडेंसी है वो ऐड करनी पड़ेगी। वो है HTTP 0.12.1। इसको आप यहाँ से करेंगे कॉपी कर लिया मैंने। और ये अगर आप अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट में आए, यहाँ पे pubspec.yaml की फ़ाइल है, इसको आप ओपन करें। इसके अंदर इसकी डिपेंडेंसीज होती हैं, तो ये इसकी डिपेंडेंसी है। इसके अंदर आके यहाँ पे आप फ्लटर के लेवल पे, इस लेवल पे आके इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ठीक है। अगर आप इस लेवल पे करते हैं तो ये SDK का लेवल हो जाएगा। हमने फ्लटर के लेवल पे आगे इसको करना है। ये करने के बाद आप इसको सेव करेंगे तो ये उसकी अपडेटिंग करना शुरू कर देगा। ये देखें, फ्लटर पब्स गेट रनिंग, तो ये क्या कर रहा है, उसको डिपेंडेंसी को ऐड कर रहा है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको यूज़ कर सकें। तो ये जनाब उसको pubspec को उसने अपडेट कर दिया है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद इसकी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आएँ तो इसकी आप यूजेज देखें। ये पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी फाइल में, जिधर आपने इसको यूज़ करना है। यहाँ से इसको कॉपी करें जी, कॉपी की है और इस फाइल में आके मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे जो हमारा फंक्शन है उसको हम उसके अंदर जाके थोड़ी चेंजेस करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे सबमिट के अंदर, यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे साइन अप यूज़र का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जो हम इधर यूज़ करेंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इधर आके बाहर ये फंक्शन हम बनाएंगे, अंडरस्कोर साइन अप यूज़र, और इधर आ जाएंगी ब्रैकेट्स। और यहाँ पे आने के बाद जनाब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आके जनाब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट पास करेंगे यूज़र रजिस्ट्रेशन की। तो उसके लिए इधर एसिंक हम रिक्वेस्ट पास करेंगे, क्योंकि API के अंदर एसिंक अगर आप अप्रोच यूज़ करते हैं तो रिस्पॉन्स जो हैं वो प्रॉपर आते हैं। HTTP यहाँ पे आ जाएगा जी, रिस्पॉन्स ये HTTP जो हमने उधर इंक्लूड करवाई है वो, और यहाँ पे इसका मैं एलियस ले लेता हूँ रिस्पॉन्स, दैट इज़ इक्वल टू अवेट और HTTP.post रिक्वेस्ट हमने यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा लिंक जो आपने यूज़ करना है स्ट्रैपी का, तो लिंक जो स्ट्रैपी का जो है वो कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे आ जाए और यहाँ से इसको आप करेंगे कॉपी, लोकल होस्ट, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं। कॉपी करने के बाद इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ जनाब। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑप्शन ऑथ स्लैश लोकल, ठीक है। ये उस वक्त यूज़ करेंगे जब आपने लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्टर करना है यूज़र को तो सिंपल आप रजिस्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद आप जो डाटा पास करेंगे कॉमा लगा के यहाँ पे एंटर करें और इधर लिखेंगे जनाब आप बॉडी, और बॉडी के अंदर आप वो डाटा पास कर देंगे। सबसे पहले आपने क्या पास करना है जी, इधर यूज़र नेम, तो यूज़र नेम आपके पास अवेलेबल है $_ यूज़र नेम में जो आपने बनाया था, अगर आपको याद हो।
ये देखिए इधर भी आ रहा है, और शुरू में हमने ये यहाँ पे यूज़ भी किए थे प्रिंट करवाने के लिए। और अगर आप स्टार्ट में आए जिधर वेरिएबल्स लिए हुए हैं, ये देखिए यूज़र नेम पासवर्ड ये है, ये वाले यूज़ होने हैं क्योंकि हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ये यूज़ हो रहे हैं। अगर आप देखें हमारा था ऑन सेव्ड के ऊपर, तो ये उसको वो वैल्यू असाइन करता है। ये देखिए ऑन सेव्ड, ये पासवर्ड की वैल्यू है, इस तरह बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस की है। तो यहाँ पे लगाएगा कॉमा और यहाँ पे आ जाएगा जी ईमेल, ईमेल, और ईमेल के लिए यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ठीक है जी, ईमेल। और इसी तरह यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, और पासवर्ड के लिए आप यूज़ करेंगे पासवर्ड, इसको एंटर करें। ये जनाब डाटा पास होगा, यहाँ से इसको टर्मिनेट कर दें। इसके बाद जनाब हमने क्या करना है, जो रिस्पांस में डाटा आ रहा है उसको प्रिंट करके देखेंगे यूज़र रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे जी फाइनल, और फाइनल के बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज़ रिस्पांस डाटा, दैट इज़ इक्वल टू जेसन डॉट डी कोड रिस्पांस डॉट बॉडी। अब ये जेसन का डाटा है ये हमें यहाँ पे ऐसे नहीं मिलना, ये हमें मिलना है यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करने के लिए, वो यूज़ करेंगे तो फिर हमें मिलेगा ये। और इसके लिए जो हम एक्सटेंशन यूज़ करेंगे वो है जनाब हमारी डॉट कॉलन कन्वर्ट, तो उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए जनाब हम क्या करेंगे, अपने पेज के ऊपर इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आके आप यूज़ करेंगे इम्पोर्ट That is dot convert। इस लाइब्रेरी को हम यूज़ करेंगे डॉट अपने डॉट प्रोजेक्ट के अंदर, और डॉट लैंग्वेज क्या इसको यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ करने के लिए ये देखें यहाँ पे आ गया है, अब मैंने इसको अप्लाई किया तो जेसन जो है वो एप्लीकेबल हो गया है। अब इस जेसन के रिजल्ट को हम प्रिंट कर लेंगे, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज़ रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है जी, इसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो जैसे ही ये प्रिंट होगा तो ये डाटा उस वक्त हमें इन रिस्पॉन्स मिलना है जब यूज़र जो है प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको यूज़र को रजिस्टर करता हूँ। यूज़र को रजिस्टर करने के लिए हम अपने एमुलेटर में आते हैं, यहाँ से मैं कोई भी डमी यूज़र ऐड कर देता हूँ, दैट इज़ टेस्ट यूज़र, और यूज़र एट टेस्ट डॉट कॉम, और यहाँ भी मैं इसका पासवर्ड रख देता हूँ कोई भी। ये रखने के बाद अगर आप देखें मैं इसको जब सबमिट करूँगा तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन का एरर मिलेगा, और एक्सेप्शन एरर क्या होगा ये देखें यहाँ पे ये स्टॉप हो गया है। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि ये डिबगिंग करता है, फिर इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये देखें यहाँ भी हमें एरर मिल रहा है, एक्सेप्शन हैज़ अकर्ड, सॉकेट एक्सेप्शंस, रिफ्यूज़ कर दिया उसने कनेक्शन को। वो इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं आना, यहाँ पे यूज़ होना है आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस, ठीक हो गया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीएमडी को रन करेंगे, सीएमडी को रन करने के बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कॉन्फ़िग आईपी, जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपको आईपी एड्रेस दे देगा। आई थिंक मैं जो कमांड है वो मिस कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉन्फ़िग अंडरस्कोर आईपी है या आईपी कॉन्फ़िग है जी, आईपी कॉन्फ़िग है। आईपी कॉन्फ़िग के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है, ये गेटवे का एड्रेस है, ये नहीं लगाना, ये जो एड्रेस है ये हमने लगाना है 192.168.1, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जनाब जिधर लोकल होस्ट लिखा है इधर आके आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। अब आप इसको कंटिन्यू करें और दोबारा मैं इसको कंटिन्यू करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ भी अब वो बिल्कुल उसने क्लियर कर दिया इसको। अब क्लियर करने के बाद अब दोबारा आए तो मैं इसको दोबारा जो है वो पोस्ट करूँगा, लेकिन इधर मैं उसका रिज़ल्ट देखूँगा, यहाँ पे मुझे वो रिटर्न करेगा जो यूज़र का डाटा रजिस्टर्ड होगा, उसका जेसन वेब टोकन आएगा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो इसको मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद आप इसको थोड़ा वेट करें,
तो ये देखें हमारे पास जो इसका रिटर्न आ चुका है, ये जेसन वेब टोकन है, जब JWT जेसन वेब टोकन है, इसकी थर्टिकेशन के लिए यूज़र जो है वो कन्फर्म ट्रू हो गया है, ब्लॉक्ड फॉल्स है और उसका आईडी भी जनरेट हो चुका है। यूज़र नेम यही था, ईमेल मैंने जो यूज़ किया वो ये आपके सामने है। तो इसकी आप ज़रा एंट्री आके देखें अपने MongoDB के अंदर। MongoDB के अंदर जनाब ये हमारी यूज़र परमिशन की कलेक्शन है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इधर आप आके देखें तो ये देखें टेस्ट यूज़र, यूज़र एट test.com ये मैंने ऐड किया था, ये इधर आ चुका है। और इसी तरह आप अपने यूज़र में आके इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो इधर भी आपको ये अवेलेबल होगा। तो इस तरह जनाब आप अपने यूज़र को जो है ना स्ट्रैपी की API यूज़ करते हुए रजिस्टर्ड करते हैं फ्लटर में। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं जनाब अपनी वीडियो में।